एक बार कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा, मन क्या है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि स्वयं अपने ही मन की कार्यविधि को हम नहीं जानते। मन जैसा कि वह है, न कि जैसा उसे होना चाहिए या कि जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। हमारे पास मन ही वह तंत्र है जिससे हम सोचते हैं, कार्य करते हैं और जिसमें हमें अपने होने की अनुभूति होती है। हम सभी में यह मन क्रियाशील रहता है और जब तक हम इस सक्रिय मन को समझ न लें, तब तक हमारे सामने आने वाली प्रत्येक समस्या अधिक जटिल और अधिक विध्वंसक होती जाएगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसीलिए उन्हें लगता है कि अपने ही मन को समझना किसी भी शिक्षा का प्रथम और परमावश्यक पाठ है। हमारा मन है क्या? आपका और मेरा मन किसी और के कथा अनुसार नहीं। जब आप मेरे द्वारा बताए गए मन के विवरण का अनुसरण न करते हुए मुझे सुनते हुए स्वयं अपने मन की गतिविधि का अवलोकन करेंगे, तभी शायद विचार के पूरे प्रसंग में प्रवेश करना अधिक उपयुक्त और लाभकर होगा। हमारा मन क्या है? जलवायु, शताब्दियों की परंपरा, तथाकथित संस्कृति, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, वातावरण, विचार, समाज द्वारा धर्म के तथा कथित ज्ञान के तथा ईश्वरी संदेश के नाम पर थोपे गए हठीले धार्मिक सिद्धांत, क्या यह मन इन सब का परिणाम नहीं है? कृपया अपने स्वयं के मन का अवलोकन करें, मेरे द्वारा वर्णित विवरण का अनुसरण न करें, क्योंकि विवरण का महत्व नगण्य है। यदि हम अपने मन की गतिविधि का सजग अवलोकन कर सकें, तभी शायद हम जीवन की समस्याओं का तत्काल निराकरण कर पाए। चेतन और अचेतन, यदि हम इस दो शब्दों का प्रयोग न करना चाहें तो इसके लिए अन्य शब्दावलियों का प्रयोग कर सकते हैं, सतही और प्रच्छन्न। मन के सतही भाग और उसकी गहन परतें, चेतन और अचेतन को एक समुचे रूप में सतह से तह तक अपनी संपूर्ण विचार प्रक्रिया को, अर्थात अपने मन के उस इकलौते भाग को जिसके प्रति हम सचेत रहते हैं, तथा उस शेष भाग को भी जो कि हमारे मन का बहुत्तर भाग है और जिसके प्रति हम सचेत नहीं रहते, इस सब को मिलाकर ही हम चेतना कहते हैं। यह चेतना काल है, शताब्दियों से मानो जो कुछ करता आया है उसका परिणाम है। या कुछ विचारों में विश्वास करना हमें बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया जाता है। हठीले धर्म सिद्धांतों, विश्वासों और पद्धतियों के अनुकूल हमें ढाल दिया जाता है। हमें प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रभावों के अनुसार ढला हुआ है और इस प्रकार ढाले जाने से सीमाबद्ध व अनजाने ही ग्रहण कर लिए गए इन प्रभावों से ही हमारे विचार उपजते हैं। जो एक कम्युनिस्ट, एक हिंदू, एक मुस्लिम या एक वैज्ञानिक का रूप ले लेते हैं, यह स्पष्ट है कि विचार स्मृति और परंपराओं की पृष्ठभूमि में जन्म लेते हैं और इसी पृष्ठभूमि के साथ हम जीवन का सामना करते हैं। फिर यह पृष्ठभूमि चेतन मन की हो या अचेतन मन की, इसकी सतही भाग की हो या इसकी गहन परतों की, जीवन सदैव गतिशील रहता है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। परंतु हमारा मन स्थैतिक है, गतिहीन है, यह साचागत है, कैदी है और हठीले धर्म सिद्धांतों, विश्वासों, अनुभवों व ज्ञान के खूंटों में बंधा हुआ है। इस खूंटों से बंधे हुए, किसी सांचे में ढले हुए भेड़ियों से आपत मन के साथ हम उस जीवन का सामना करते हैं जो निरंतर गतिशील है। जीवन अपनी अनेक जटिल और पलक झपकते परिवर्तित हो जाने वाली समस्याओं के साथ कभी नहीं ठहरता, अतः इसे प्रतिदिन व प्रतिपल एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तो जब हमारा सामना इस जीवन से होता है तो इस निरंतर चलायमान जीवन और हमारे अतीत के आपत और अचल मन के बीच एक अनवरत द्वंद्व चलने लगता है। यही कुछ तो हो रहा है ना? जीवन और सांचे में ढले हुए मन के बीच केवल
भी बन जाता है। हम सदैव जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। प्रकृति और विज्ञान को जीत लेने की नई नई विधा एवं विधि सीखते रहते हैं, परंतु मन को ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के बावजूद एक निश्चित सांचे में ही जकड़ा हुआ है, एक विश्वास विशेष से आबद्ध। तो हमारी समस्या यह नहीं है कि हम जीवन का सामना कैसे करें, अपितु यह है कि हमारा मन जो हठीले धर्म सिद्धांतों और विश्वासों के सांचे में जकड़ा हुआ है, वह स्वयं को स्वतंत्र कैसे करे। केवल वही मन जीवन का सामना करने में सफल हो सकता है जो स्वतंत्र है। वह मन नहीं जो मत किसी विश्वास या किसी ज्ञान विशेष के सांचे में बंधा है। तो यदि हमें अपनी समस्याएं बढ़ानी नहीं है, यदि हमें अपने दुख और अपनी दुर्दशा का अंत करना है, तो क्या अपने ही मन के कार्यकलापों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाता।